Hi students, I am Rohini, and you are watching Utopia. Today, I will explain a story for you, and the name of the story is "Golden Moments," and it is from English re English Reader. Uh, I will explain story line-wise, so all of you listen very carefully. Inflation isn't at all uh, that bad if you have a little gold to back to fall back on it on. तो क्या बताया गया है कि अगर आपके पास जो महंगाई होती है इन्फ्लेशन है मीन्स की जो महंगाई होती है ठीक है वो इतनी भी आपको बुरी नहीं लगती अगर आपके पास थोड़ा सा गोल्ड हो तो उसका गोल्ड का क्या होता है फॉल ऑन फॉल बैक ऑन हेयर मीन्स की सहारा होना किसी चीज़ का तो थोड़ा सा गोल्ड अगर आपके पास हो तो उसका आपको सहारा होता है ठीक है तो आपको महंगाई इतनी बुरी नहीं लगती इट सो हैपन्स दैट आई हैड सम गोल्ड अबाउट हंड्रेड ग्राम्स ऑफ इट तो ये हुआ क्योंकि मेरे पास भी क्या था 100 ग्राम का गोल्ड था ठीक है जिसका वेट 100 ग्राम था वे एट द वुड बी अ नीड सम तो उसका अगर करंट प्राइस देखा जाए तो वो मतलब बहुत अच्छा प्राइस उसको मिल जाता वैन इट केम टू माई पोजिशन इट वॉज वर्थ टू रुपीज टू हंड्रेड बट आई हैव नो आइडिया वेयर इट इज नाव एंड इट इज अड स्टोरी तो बोलता है कि जब ये मेरे पास आया तो उसका रुपीज़ टू हंड्रेड जो था उसका प्राइस था लेकिन अभी जो है मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पे है और ये एक बहुत ही सैड स्टोरी है तो नरेटर के लिए ये एक सैड स्टोरी है क्योंकि इस गोल्ड को पाने के लिए उसने क्या किया था बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की थी ठीक है तो जस्ट अराउंड द लास्ट वर्ल्ड वार आई स्टूड फर्स्ट इन मेट्रिकुलेशन इन बॉम्बे नाउ मुंबई वर्स अ गोल्ड मेडल तो बोला, बताया गया कि जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है कि कब हुआ था नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव तक सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था यानी कि लास्ट वर्ल्ड वॉर बोला गया है यहाँ पे तो लास्ट लास्ट वर्ल्ड वार से मीनिंग है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक है लास्ट वर्ल्ड वॉर तभी हुआ था तो इसमें क्या बताया गया है आइज टर्स्ट तो वो फर्स्ट आया अपने के एग्ज़ाम में ठीक है और वो उस टाइम मुंबई बम्बई में था जो अभी जिसको मुंबई बोला जाता है उस टाइम में वो बम्बई में था और उसको जो है गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया था उसके लिए बट आई डिडेंट एक्चुअली सी इट अनटिल ईयर लेटर लेकिन क्या है उसको जो है उस गोल्ड मेडल को उसने नहीं देखा एक साल तक फॉर वन ऑफ द कंडीशन वॉज दैट आई हैड टू कंटिन्यू माई स्टडी फॉर एटलीस्ट अ ईयर इन कॉलेज तो वहाँ पर क्या है मे बी की वहाँ का ये रिचुअल हो uh, या फिर वहाँ पर ये ऐसी बात हो कि क्या है एक साल और स्टडी करो कॉलेज में तभी आपको अवार्ड मिलेगा तो उसका क्या है वही कंडीशन उसके साथ भी थी ठीक है कि अगर आप एक साल कॉलेज में लगाएंगे तो ही आपको वो गोल्ड मेडल मिलेगा तो क्या किया उसने भी uh, क्या किया सो आई पेशेंटली वेटेड फॉर द मेडल फॉर अ होल ईयर थ्रो Two monsoons and a summer, until I received a letter from the university asking me to attend a convocation ceremony and to receive the gold medal from the hand of governor himself. तो इसलिए उसने भी क्या किया बहुत ही patiently जो है उसने wait किया ठीक है एक और साल उसने wait किया एक साल में क्या हुआ two monsoon season और एक गर्मियों का season निकल गया ठीक है तभी उसको क्या होता है एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जहाँ पे उसको बोला गया था कि उसको जो क्या करने ही? करनी है एक कॉन्वोकेशन अटेंड करनी है कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करनी थी तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी बेटा वो सेरेमनी होती है जहाँ पे क्या होता है जब कोई स्टूडेंट uh, जो है अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर लेता है तो उस डिग्री जो है सभी को डिग्री दी जाती है जैसे कि आप जो है uh, कभी आपने देखा होगा कभी मूवी में या कहीं मूवीज़ uh, में या yes, सीरियल uh, में जहाँ पे क्या होता है वो ब्लैक uh, वाला गाउन डाल के जो है या फिर हैड डाल के जो डिग्री दी जाती है बच्चे को तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वर्केशन सेरेमनी एंड जो सेफ गु दोल्ड मेडल तो वहाँ पे उसमें क्या लिखा गया था कि आपको कॉन्वर्केशन सेरेमनी जो है वो अटेंड करनी है और जो गवर्नर जो है खुद वहाँ पर अपने हाथों से आपको गोल्ड मेडल देगी इज सेट सेट देन इट इज यन आई सेट टू माई सेल्फ तो उसने खुद से कहा कि इज यन दैन डन कि ये बोलना जितना आसान है उतना ही करना जो है टफ है uh, उसने खुद से बोला एज आई वॉज नॉट रियली रेडी फॉर द सेरेमनी कि वो एक्चुअली में क्या था रियली really में सेरेमनी को अटेंड करने के लिए रेडी नहीं था और उसके पीछे एक रीज़न था और क्या रीज़न था वो आई हैव टू बी प्रजेंटेबल आई said टू माई सेल्फ बट माई यूजल ड्रेस वज वाइट लुंगी एंड शर्ट द काइंड ऑफ ड्रेस वार्न बाय गार्डन एंड स्ट्रीट स्वीपर इन बॉम्बे तो बोलता है कि एक्चुअली मैं वो जाना चाहता था उसमें प्रेजेंट होना चाहता था सेरेमनी में लेकिन प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास एक जो ड्रेस वो डालता था वो कौन कैसी ड्रेस डालता था वाइट लुंगी डालता था और शर्ट डालता था और ऐसी ऐसी इस तरह की जो ड्रेस थी मुंबई में बम्बई में गार्डनर जो है माली वगैरह गार्डनर और जो है स्वीपर वगैरह डालते थे तो माई फ्रेंड सेट आई शुड गो फॉर अ प्रॉपर सूट डबल ब्रेसट जैकेट एंड ऑल तो उसके फ्रेंड ने बोला कि उस उसको जो है अगर जाना है तो उसको एक प्रॉपर एक अच्छा सा सूट डालना चाहिए ठीक है जबर ज़बरद्रस्ती जैकेट लगी हो जिसमें मतलब की कि एक इंग्लिश सूट डाल के उसको जाना है ना कि लुंगी और शर्ट डाल के उसको जाना है फॉर द मेडल वुड बी पिंट माई पिन टू माई जैकेट बाई गवर्नर की जो मेडल था उसको जैक जो गवर्नर था वो खुद पिन गवर्नर ने खुद पिन करना था उसकी जैकेट के साथ ठीक है अब बर्ली इंग्लिश मैन कॉड लॉर्ड बेब्रॉन तो जो गवर्नर था वो एक बर्ली बर्ली हेयर मीन्स की एक जो हट्टा कट्टा जो आ, मतलब कि सेहत वाइज जो हेल्थ वाइज़ जो पर्सन होता है वो अच्छा दिखता है मतलब कि लंबा चौड़ा अच्छा पर्सन दिखता है वो तो ऐसी उसकी पर्सनलिटी थी इसलिए उसको बर्ली बर्ली इंग्लिश मैन कहा गया है तो एंड हाउ वुड आई लुक इफ अपेड वी फॉलो हिम इन अ गार्डनर यूनिफॉर्म गार्नर्स यूनिफॉर्म तो बोलता है कि कैसा लगेगा जब एक लंबे चौड़े एक काटे कटे इंसान स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है जिसकी ठीक है और वो लॉर्ड है लॉर्ड बेब्राउंड जो है गवर्नर है वो ठीक है तो उस गवर्नर के सामने आप कैसे दिखोगे अगर लुंगी और शर्ट डाल के जाओगे तो इसलिए उसको इंग्लिश सूट ही डालना चाहिए ठीक है तो आगे क्या होता है आई हैड अ टेलर फ्रेंड एंड ही ऑफर टू स्टिच अ नेट ई सूट फॉर मी प्रोवाइडेड अ स्प्लाइड द क्लोथ तो उसका एक फ्रेंड था जो कि टेलर था तो उसने कहा कि वो उसके लिए एक अच्छा नेट ही सूट मीन्स की फैशनेबल सूट वो सिल देगा अगर वो उसको कपड़ा देगा कपड़ा प्रोवाइड करवा देगा तो एक अच्छा इंग्लिश सूट वो सिलकर दे देगा उसको फैशनेबल सो माई फ्रेंड माई फ्रेंड्स वर्न आउ इन फुल क्राई एंड चोज अ पार्मी सूट देन बॉर्न बाई हॉलीवुड फिल्म स्टार्स एंड अदर्स तो बोलता है आ, कि मेरा फ्रेंड जो है फुल कराई यानी कि वो पूरा बिजी हो गया इस चीज़ में मेरे को सूट चूज़ करने के काम में जो है पूरी तरह से बिज़ी हो गया और उसने क्या किया एक पाम भी सूट जो है मेरे लिए चूज़ किया ठीक है जो कि हॉलीवुड फिल्म में स्टार फिल्म स्टार डालते थे ठीक है और आ, अदर जो बड़े बड़े लोग थे वो डालते थे ऐसे वाला सूट उसके लिए उसने चूज़ किया Uh, दो इट मेड अ बिग होल इन माई पॉकेट सो इट मेड अ बिग होल मीन्स की उसकी पॉकेट में बिग होल कैसे हो गया क्योंकि उसको बहुत बड़ा जो है एक प्राइस जो है उसके लिए पे करना पड़ा ठीक है वो बहुत ही कॉस्टली वो सूट था दस अटायर्ड आइस सैलेट फोर्थ टू रिसीव द ग्रेट मेडल तो क्या है इसलिए जो कपड़े उसने अटायर हेयर मीन्स की ड्रेस जो ड्रेस उसने सिलवाली ठीक है अब वो रेडी था गोल्ड मेडल रिसीव करने के लिए ठीक है सैलेड हेयर में इसकी रेडी था वो आगे जाने के लिए गोल्ड मेडल रिसीव करने के लिए सो अनफॉर्चुनेटली ऑन द डे ऑफ द कन्वोकेशन द स्टूडेंट्स ऑफ बम्बई अप्रेक्शियस अलॉट हैड डिसाइडेड टू बाइक ऑर द सेरेमनी एंड प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द हॉल कंप्लीट विद ह्यूज प्ले कार्ड एंड ब्लैक फ्लैग तो क्या बताया गया क्या बताया गया अनफॉर्चुनेटली ऑन द डे ऑफ द कन्वोकेशन द स्टूडेंट ऑफ बॉम्बे अः फ्रैक्शियस लॉट हैड Decided टू बाइक आउट ceremony तो क्या हुआ मुंबई में स्टूडेंट उस मतलब ऐसा एक उस टाइम जो है उसके साथ इतनी बैड एक बात हुई कि जब वो कन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने जा रहा था तो उस टाइम जो है वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया उन्होंने ये डिसाइड किया मतलब वो बहुत ही चिड़चिड़े हो, हो गए थे ठीक है उन्होंने क्या किया कि वो क्या करेंगे इस सैरेमनी को बाइक का, बाइकआउट करेंगे और जो है इसके अगेंस्ट जो है वो आ, प्रोटेस्ट करेंगे ठीक है उसके विरोध में जाए हॉल के बाहर जो है हॉल के बाहर जो है बड़े बड़े प्ले कार्ड आ, प्ले कार्ड का हॉल कंप्लीट विद ह्यूज प्ले कार्ड एंड आ, ब्लैक फ्लैग यानी कि बड़ा एक घोषणा पत्र जो है प्ले कार्ड हेयर मीन्स घोषणा पत्र अनाउंसमेंट लेटर जो है जो उनकी खुद की मांगी थी उसको लेके जो है वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे ठीक है और उन उसको जो है ब्लैक फ्लैग दिखाएंगे लॉर्ड बैक्रॉन को तो सम इवन डेड क्रोज इन दर बैग तो कुछ तो ऐसे थे उन्होंने डेड क्रोस जो मरे हुए क्रो थे वो भी अपने बैग में डाले हुए थे तो क्या बताया वन डेड वाई तो उस चीज़ का बोलता है बोलता कि मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ इस चीज़ को के कि ये सब क्या है ठीक है क्यों ऐसा किया वन ऑफ द डेड क्रो हिट द यूनियन जैक एंड ब्रॉड द प्रोसेशन टू अ हल्ट तो क्या बताया कि एक जो है डेड क्रो ने किसके साथ टकराया है यूनियन जैक के साथ टकराया है तो यूनियन जैक बेटा जो इंग्लैंड का जो झंडा है फ्लैग है नेशनल फ्लैग उसको यूनियन जैक कहा जाता है ठीक है तो वो आप ओबियस है कि जब लॉर्ड जो है गवर्नर जो है अपना प्रोशेसन लेके अपना जुलूस जो है वहाँ पे लेके जाएगा प्रोशेसन लेके तो जहाँ पे रुका था वहाँ पे उसका झंडा भी साथ में हुआ उसके देश का तो वहाँ पे जो जब वो वहाँ पे रुका तो उस यूनियन जैक पे वो डेड क्रो आके हिट किया टकराया सो इट वॉज़ अ बैड ओमैन इट वॉज माई फर्स्ट कन्वोकेशन एंड आई डिडन्ट वॉन्ट टू बी माई लास्ट तो बोलता है कि ये एक बहुत बुरा जो बैड ओमेन था बैड ओमेंस की बुरा शाइन था ठीक है वो ये नहीं चाहता था कि मेरी ये फर्स्ट कन्वर्सेशन कन्वोकेशन सेरेमनी है ठीक है और ये लास्ट बन जाए मतलब कि मैं और ज़्यादा इसके लिए फिर वो भी ये नहीं चाहता था कि अभी और भी वेट करना पड़े ठीक है इस चीज़ को लेके आई प्रजर्व एंड अपियर इन हॉल तो उसने क्या किया उसने जो है अपनी बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो है फेस की और हॉल में चला गया वो ठीक है पाम्बे सूट एंड ऑल रेडी फॉर एनी थिंग तो अपने जो सूट को डाल के ठीक है और वो अब हर चीज़ के लिए रेडी था यानी कि वो मेडल लेने के लिए वहाँ पर रेडी था देर वर अबाउट फाइव और सिक्स मेडलिस्ट एंड वी आर वर आस्क टू सिट ऑन द डाइस बिहाइंड द गवर्नर इन हिज स्पलेंडेड गाउन एंड हिज एंट्रेस तो so, क्या बताया गया कि आ, एक जो है पर्सन आया ठीक है आ, जिसने स्प्लेंडेड गाउन डाला हुआ था ठीक है तो उसने क्या बोला कि उन फाइव सिक्स स्टूडेंट्स को बोला कि आप जो है आ, जो उसके साथ जो है आ, गवर्नर के पीछे जो राइस लगे हैं ठीक है वहाँ पे जाने को उसको बोला ठीक है वहाँ पे जाके बैठो आप जाके उनको बोला और आ, तो क्या होता है द हॉल वॉज पैक्ड विद हाई एंड मेजोरिटी ऑफ सॉरी हाई एंड माइटी ऑफ बॉम्बे द इविडेबल पारसी लेडीज़ इंड क्लिटरिंग साड़ीज तो बोला गया कि हॉल जो था वो पैक था हाई एंड माइटी हाई एंड माइटी की जो हाई सोसाइटी के लोग थे ठीक है वो सारे उस हॉल में थे ठीक है और कुछ पारसी लेडीज़ भी थी जो कि क्या है जिनके जिन्होंने चमकदार जो है साड़ियाँ डाली हुई थी और वो क्या था उनके ऊपर से न, उनको अवॉइड नहीं किया जाता उनके ऊपर से नजर नहीं हटाई जा रही थी अलॉन्ग विद दिया स्कॉट हूम वन नॉर्मली सॉ ओनली इन द न्यूज़पेपर तो क्या है उनकी स्कॉट के साथ एक और उनकी स्कॉट ऐसी दिख रही थी ठीक है uh, मतलब एक ऐसी लेडी दिख रही थी जो न्यूज़पेपर में ही दिखती है no, अलॉन्ग विद यॉट हूँ वन नॉर्मली सर जो उनकी स्कॉट ऐसी दिख रही थी जो कि क्या है नॉर्मली जो है न्यूज पेपर में ही दिखती है देर वॉज देर वर ऑल्सो दूसऑल आर्मी ऑफिसर विद मोर मेडल ऑन देयर ट्यूनिक दैन विवन अवे ड्यूरिंग द सेरेमनी तो क्या बताया गया कि वहाँ पे आर्मी ऑफिसर भी थे जिन्होंने इतने मेडल जो है अपनी जो उनकी ट्यूनिक होती है यानी कि जो आर्मी की ड्रेस होती है उसके ऊपर इतने सारे मेडल उन्होंने लगाए हुए थे जो कि क्या है आ, पता नहीं वो कितनी जो कितनी सेरेमनी किसी एक सेरेमनी में तो वो उस उनके पास हुए नहीं होंगे पता नहीं कितनी सेरेमनी में जाकर जो है वो मेडल उन्होंने कलेक्ट किए गए थे ठीक है तो उनको मिले होंगे कलेक्ट नहीं किए उनको मिले होंगे ठीक है तो इतने सारे मेडल उन्होंने वर्क किए हुए थे अपनी ड्रेस पे ठीक है एंड वन ऑफ द कोर्स द स्ट्रॉन्ग क्विजेंट ऑफ लीडर्स फ्राम लोकल कॉलेज स्ट्रेटिकली सीटेड नियर द एंट्रेंस तो क्या बताइया गया कि एक बा uh, जो है स्ट्रॉन्ग क्वानीजेंट स्ट्रॉन्ग मीन्स कॉन्टीजेंट मीन्स की टीचर्स का जो ग्रुप था ठीक है स्ट्रॉन्ग कॉन्टीजेंट ऑफ टीचर्स तो टीचर्स का जो ग्रुप था uh, वो कहाँ पर बैठा हुआ था वो जो है स्ट्रेटिकली मतलब उसको बैठाया गया था कहाँ पे एंट्रेस के नीयर ठीक है एंट्रेस के नियर उसको बिठाया गया था तो आगे क्या होता है स्टोरी में द गवर्नर एज आई तो जैसे कि उसने बताया गवर्नर के बारे में वाज लॉर्ड बेपिन आफ्टर हुम द फेमस क्रिकेट स्टेडियम ऑफ बॉम्बे इज नेम तो क्या बताया गया कि जिसके नाम पे क्या है आ, एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम है बम्बई में तो ही वॉज अबाउट ट्विश माई हाइट तो उसकी हाइट का दोगुना था मतलब जितना वो लड़का था उसकी हाइट से दोगुनी हाइट उस गवर्नर की थी एंड थ्री टाइम्स माई वेट और जितना उसका वेट था उससे तीन गुना उसका वेट था गवर्नर का एंड हैड ऑल्सो चूजन टू वेयर अ पाम बीच ट्वाइस पाम बीच टू पीस सूट तो उसने भी जो है पाम बीच टू टू पीस सूट जो है डाला हुआ था uh, एट लास्ट द गवर्नर पेंट द मेडल टू माई लैपल तो लेपल होता है कॉलर के नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लेपल तो उसको जो वहाँ पर जो है उसने पिन किया गवर्नर उस सूट को सॉरी uh, उस मेडल को जो मेडल जो है गवर्नर दिया तो वहाँ पर वो पिन कर रहा था बट क्या हुआ बट दफर्ट सीम टू हैव एग्जॉस्टेड हिम लेकिन क्या हुआ वो उसको पिन ही नहीं कर रहा था क्योंकि जो वो सेफ्टी uh, पिन के साथ जो सूई होती है जैसे कि uh, तो वो क्या कर रही थी वो uh, वहाँ पे जाके ना प्राइस नहीं हो रही थी मतलब कि जो पिन थी वो लग ही नहीं रही थी उसमें ठीक है तो वो एग्जॉस्ट हो गया थक गया वो इस चीज़ को करके मतलब कि उसने जोर लगा के जो है चाह कि मैं गोल्ड मेडल जो है पिन कर दूँ इसकी ड्रेस में लेकिन वो कर नहीं पा रहा था सो इट वॉज माई टेलर सूट टेलस फॉल्ट तो क्या था ये उसके टेलर की गलती थी ही हैड फॉगटन टू मेक अ बटन होल क्योंकि वो जो है वहाँ पे बटन होल बनाना ही भूल गया था एंड द पिन वुड नॉट प्रेस द क्लोथ और जो पिन जो थी वो कपड़ों में चुभी नहीं रही थी ठीक है वो ऐसा कपड़ा था सूट का कि उसके अंदर जो पिन थी वो जा ही नहीं रही थी आई वॉज ऑनली सिक्सटीन एट द टाइम एंड एट द मो दैट मोमेंट वरीड अबाउट हाउ टू गो होम इन पोरिंग रेन तो वो उस टाइम जो है सिर्फ सोलह साल का था तो उस टाइम उसको जो है उस मेडल से ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की थी अपने उन कपड़ों की थी ठीक है तो वो क्या बोलता है कि कैसे मैं इस रेन जो है इतनी बारिश हो रही होगी वहाँ पे तो इस बारिश में मैं घर कैसे जाऊँगा ठीक है उसका रीज़न क्या था आई डेंट वॉन्ट टू टेक वॉन्ट टू रिस्क फॉलिंग माई वेरी प्रीशियस सूट कि वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था कि जिससे उसका जो महंगा जो सूट uh, है वो क्या हो जाए खराब हो जाए ऐसा रिस्क नहीं वो ले सकता था बारिश में उसका सूट जो है वो खराब हो जाए तो अब आगे हो, क्या होता है द मेडल वेट हंड्रेड ग्राम एंड अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड मदर हु पजेस्ट मोर गोल्ड देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सो आई थॉट तो बोलता है कि जो मेडल था उसका वेट क्या था हंड्रेड ग्राम वेट था उसका ठीक है अकॉर्डिंग टू उसकी ग्रैंड मदर के अनुसार जिसके पास उसको लगता था कि मेरी ग्रैंड मदर के पास तो इतना सोना है जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है ठीक है so, वो ऐसा सोचता था उस टाइम वाज वर्थ एट लीस्ट टू रुपीज टू हंड्रेड अ लॉट ऑफ मनी इन दोज डेज तो क्या बताया कि इतने साल पहले जो है टू हंड्रेड रुपीज़ जो है बहुत ज़्यादा होते थे माई फर्स्ट इम्पल्स फर्स्ट टू सेल इट एंड पॉकेट द मनी बट माई बट ग्रैंड मदर सेड इट वुड बी ब्लास्टिविंग टू लेट इट गो एंड वुड अ प्लेस हैंड इट ओवर टू हर फॉर सेफ कीपिंग तो बोलता है उसकी फर्स्ट इम्पल्स क्या थी फर्स्ट थाट क्या था पहली से उसकी क्या माइंड में क्या विचार आया ठीक है क्या सोच आई उसके माइंड में कि मैं क्या करूँगा इसको मैं बेच लूंगा अपने गोल्ड मेडल को क्योंकि उसको टू हंड्रेड मिलने थे उसके ठीक है और अपने लिए पॉकेट मनी उसके लिए हो जाना था खर्चा खर्च करने के लिए पैसे हो जाने थे ठीक है तो उसके माइंड में ये थॉट आई तो मे बी कि उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ ये बात जो है शेयर की तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि ये तो क्या है ब्लास्मी ब्लैस मींस की भगवान की दी हुई चीज़ का अनादर हो करना होता है ठीक है कि अगर गॉड हमें कुछ चीज़ देता है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है तो मतलब कि जैसे हमें कोई प्राइज मिलता है तो उसको उसके बोलने का मतलब है कि उसको संभालने के संभाल के रखना चाहिए ऐसा नहीं है कि उसको बेच के जो है आप अपने लिए पॉकेट मनी ले ले लो ठीक है तो वो क्या बोलती है अपनी ग्रह अप उसको बोलती है कि ये है जो मेरे मुझे दे दो ये मैं इसको सेफ़ रखूँगी ठीक है इसको रख देती हूँ रखने के लिए दे दो और मैं इसको सेफ रखूँगी आपके मेडल को एंड आई हैव नेवर सीन इट्स और बोलता तब से लेकर अब तक मैंने कभी भी उस मेडल को नहीं देखा गॉड अलोन नोज हाउ एंशियसली आई बीन सर्चिंग फॉर इट ऑल दीज ईर्स तो बोलता है कि भगवान जानता है कि इन सारे दिनों में मैंने कैस कितने जो है सर्च किया कितना सोचा इन मेडल्स के बारे में थे उस मेडल सॉरी इन मेडल्स के बारे में नहीं उस मेडल के बारे में कितना मैंने सोचा ठीक है कितना मैंने सर्च किया ठीक है लेकिन क्या है इफ ओनली टू हेल्प मी मेक अ डेंट इन माय रेवेन्यू डेफिसिट तो क्या बताया गया कि इफ ओनली टू हेल्प मी मेक अ डेंट इन माय रेवेन्यू डेफिसिट तो बोलता है कि मेरी हेल्प करने के नाम पे क्या हुआ कि मेरे जो मेडल को सेव uh, Uh, बोल के जो है कि मैं सेफ रखूँगी ये करके ले लिया और बाद में कभी भी उसने उसको देखा नहीं तो मतलब कि उसकी हेल्प करने के चक्कर में उसको जो है रेवेन्यू डेफिशेंट मीस कि यहाँ पे मतलब हुआ इसका कि उसको घाटा कर दिया ठीक है उसको उस चीज़ का क्या हो गया घाटा हो गया ठीक है तो ये था दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाई जैद उबाशी सो जयद उबाशी के बारे में क्या बोला गया है बॉर्न ऑन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव इज एन इंडियन इकोनमिस्ट एंड हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स तो क्या है नाइनटीन ट्वेंटी फोर में आ, उसका बर्थ हुआ ठीक है वो इंडियन इकोनॉमिस्ट था एक अर्थशास्त्री था और उसने क्या किया था एक्टिवली पार्टिसिपेट जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी उसने पार्टिसिपेट किया था ही इज नोन फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन ए वेराइटी ऑफ टॉपिक तो क्या है वो जाना जाता है किस चीज़ के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उसने राइटिंग uh, की है और बोला है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट जयदाशी एंड दैट्स ऑल अबाउट द लेसन थैंक यू एंड हैव अनाइस डे